नमस्ते। हिंदी की क्लास में ऑर्बिस स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। हम आज नया व्यंजन सीखने वाले हैं और वो नए व्यंजन का नाम है व्यंजन स। सुबह का सूरज आया है, नई रोशनी लाया है। सुबह का सूरज आया है, नई रोशनी लाया है। स से सांप सीढ़ी का खेल, स से सांप सीढ़ी का खेल, खेल खेल में होता मेल। स से सांप सीढ़ी का खेल, खेल खेल में होता मेल। सीढ़ी चढ़ो या काटे सांप, खेल खेल में सब कुछ माफ। स से समोसा, बच्चों आपको मेरे बाद में दोहराना है। स से सब्जियां, स से सब्जियां, स से सांप, स से सांप, स से सड़क। बच्चों ये व्यंजन स है। हमने पहले षड्भुज का ष सीखा, उसके बाद में षटकोण का ष सीखा और हम अभी सीख रहे हैं व्यंजन स, जो कि है सांप का स। और ये है स से सड़क और यहाँ है स से साबुन। स से साबुन, स से सर्कस। देखो जोकर दिख रहा है ना, सर्कस में हमें जोकर दिखता है, बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। स से सर्कस, स से सपेरा, स से सांप, स से सपेरा, स से सांप, स से सेब, स से सेब, स से संतरा, स से संतरा, स से सूरज, स से सूरज, स से सांप सीढ़ी, स से सांप सीढ़ी। ये एक गेम है। नाउ इट्स राइटिंग टाइम। व्यंजन स की राइटिंग प्रैक्टिस हम हिंदी की माई स्किल बुक में करेंगे। ऑन पेज नंबर 9595 वी विल प्रैक्टिस राइटिंग व्यंजन स। उसके लिए पहले हम लेफ्ट साइड कॉर्नर में आज का डेट लिखेंगे। आज का डेट है 1/10/12। वाई वी हैव रिटन 10 हियर? Because our September month has over and now the October has started. So that's why, and October is 10th month. So we have written 10 here. So the date is 1.10.12. Now we will practice writing Vyanjan Sa. Now you know how to write Vyanjan Ra. The same thing we have to do. First we have to write Vyanjan Ra. For that, from first line, pehli line se dusri line ke beech mein ऐसे सीधा थोड़ा सा जाके क बना के थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर वहाँ से स्लांटिंग लाइन बनानी है जो कि तीसरी लाइन को टच करेगी, उसको फिर वहाँ छोड़ देना है। वापस एक बार करेंगे, पहली लाइन से थोड़ा सा सीधा लाइन बना के क बनाते हुए दूसरी लाइन को टच करके थोड़ा ऊपर, फिर स्लांटिंग लाइन एंड उसको उधर छोड़ के फिर यहाँ से दूसरी लाइन से स्लीपिंग लाइन बनानी है छोटी सी। वापस एक बार लिखेंगे, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में सीधी लाइन, फिर वहाँ से कर्व बनाते हुए थोड़ा सा ऊपर, फिर स्लांटिंग लाइन जो तीसरी लाइन को टच करेगी, फिर वहाँ से दूसरी लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन को छू के जाती हुई एक सीधी रेखा बनाएंगे जो कि हम पहली और तीसरी लाइन के बीच में बनाएंगे। ये हो गया आपका व्यंजन स। स से सड़क, और एक बार लिखेंगे, पहली और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन, फिर कर्व बनाते हुए थोड़ा सा ऊपर, फिर एक स्लांटिंग लाइन जो तीसरी लाइन को टच करेगी, स्लीपिंग लाइन ऑन द सेकेंड लाइन, और पहली और तीसरी लाइन के बीच में सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, एंड स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये स्लीपिंग लाइन बनाना ना भूले। व्यंजन स जैसे कि आपको मालूम है अपने आप लिखना है। कैसे लिखोगे? पहली और दूसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन, थोड़ा सा कर्व बनाते हुए ऊपर, फिर स्लांटिंग लाइन जो तीसरी लाइन को टच करेगी, फिर दूसरी लाइन पे स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। व्यंजन स। स से सांप, स से सपेरा, स से सांप सीढ़ी, स से साबुन, सब से सेब, स से संतरा। एक एक व्यंजन लिखते हुए आपको ऐसे उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने हैं।
जिससे आपको वो अच्छे से याद रह जाएंगे। एक बार व्यंजन स लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर हमने जो शलगम का श और षटकोण का श ऑलरेडी सीखा है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हम हिंदी की नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट यू विल ओपन द नेक्स्ट पेज एंड इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर यू विल राइट टूडेज डेट एंड देन लाइक दिस शलगम का श शलगम का श। यू विल कम्प्लीट बोथ द लाइन्स नाइसली नीटली एंड देन यू विल राइट षटकोण का श टू टाइम्स ईयर एंड देन यू विल फॉलो द लाइन। दिस वे वी विल प्रैक्टिस राइटिंग शलगम का श षटकोण का श और सांप का स। मुझे आशा है बच्चों आपको व्यंजन स, उससे शुरू होने वाले शब्द और उसे लिखते कैसे हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ में आपको शलगम का श और षटकोण का श वो भी नोटबुक में कैसे लिखते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।